आए का आदर करे और चलत नवाब शीश, आए का आदर करे और चलत नवाब शीश, तुलसी ऐसे मीत से तो मिलिए विश्वे भी। सुमर लिए भगवान एक श्री प्रहलाद सिंह गुरुदेव मेरे, तो दादाजी के रहे चरण में ध्यान। बोलिए गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ये सभी का सुना हुआ भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि बाबा मोहन राम की खोली में पुराने पुराने भजनों को बहुत ज्यादा सुना जाता है और गाया जाता है, हमारी माता बहन भी गाती हैं। एक निवेदन मेरा माता बहनों से है, जिसका जो भी शब्द समझ में आ जाए वो मेरे साथ में गाती रहे, और जो शब्द समझ में ना आए तो मीठी मीठी ताली जरूर बजाती रहे। आपकी भी हाजिरी बाबा मोहन राम के श्री चरणों में इस रामपुर बस्ती के अंदर लगेगी, तो मेरा निवेदन है सभी से, माता बहनों से, पहले एक बार सैंपल में जोरदार ताली बजा दो। क्या बात, आइए बाबा मोहन राम को मनाते हुए चलते हैं। भक्तों के दिल रम्या हुआ भक्तों के दिल रम्या हुआ, रम्या हुआ रे मोहन रम्या हुआ, बाल खोली वाले की। भक्तों के दिल रम्या हुआ, रम्या हुआ रे मोहन रम्या हुआ, ओ भक्तों के दिल सबकी बाबा पूरी करते बारे, दुखिया पूजा करे दिन रात, सबकी बाबा पूरी करते बार, अनगिन दुखिया पूजा करे दिन रात, सबकी बाबा पूरी करते बार, दुखिया पूजा करे दिन रात, झोली खाली भर देवानी, झोली खाली भर देवानी, झोली खाली भर देवानी, झोली खाली भर देवानी, एक बेटे की अरदास है, दुखिया खड़ी उदास है, भगतों के दिल रम्या हुआ, रम्या हुआ रे मोहन रम्या हुआ, भगतों के दिल रम्या हुआ।
इस भजन पर खुश होकर के हमारे महाराज जी जिन पर आज सभी का आशीर्वाद है, जो भी यहाँ पर जनता जनार्दन आई है, चमनदास जी महाराज वो 100 रुपए देकर के हौसला अफजाई कर रहे हैं, और हमारी माता जी उन्होंने भी 100 रुपए का 50 रुपए का पुरस्कार दिया, लेकिन नाम से हम वंचित रह गए, उन्होंने नाम नहीं बताया। और हमारी बहन जी जानकी, बहुत सुंदर नाम है, क्योंकि माता सीता का नाम भी जानकी है। हम जानकी जी का धन्यवाद करते हैं, 100 रुपए देकर के इस भजन का सम्मान बढ़ाया। बाबा मोहन राम उनका सम्मान हमेशा बढ़ा करके रखे। और एक और हमारे बाबू जी, उन्होंने भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया, उनके भी हमेशा भंडारे भर करके बाबा मोहन राम रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। और हरीश भगत जी सिरसा से, जो बहुत अच्छे बाबा मोहन राम के भगत हैं, वो भी बाबा के श्री चरणों में 100 रुपए से अरदास लगा रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। चलिए तेरा श्याम आने में ना देर करी रे घनश्याम, द्वापर में द्रौपदी ने तेरा श्याम आने में ना देर करी घनश्याम। ए द्वापर में द्रौपदी ने प्रिया, उनका भी धन्यवाद करते हैं। प्रिया जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए बाबा के श्री चरणों में दिए गए हैं। और मेरा मार्शल जी से निवेदन है कि जो भी आता रहे उनका नाम लिखते रहे। हाँ, एक बार बोल देंगे, बीच में व्यवधान ना हो। ओ हो हो
तपस्या की तीन लोक का रण तरण है सब तेरे आधी श्री मुकेश जी खानपुर से वो 100 रुपए देकर के बाबा के श्री चरणों में अरदास लगा रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सीताराम जी बाबा पाली से उनका भी बहुत प्यार आशीर्वाद मिला, 100 रुपए देकर के सम्मान दे रहे हैं। प्रकाश दायमा जी वो भी 50 रुपए देकर के बाबा के श्री चरणों में अरदास लगा रहे हैं। आदरणीय अजब सिंह दास जी वो भी बाबा के श्री चरणों में 100 रुपए देकर के अरदास लगा रहे हैं। बाबा हमेशा उन पर अपनी कृपा बरसा करके रखे। बोल सच्चे दरबार की जय। सेठ तेरे नरसी का सत्य जो माया मनसा मल ने पूरा चिट्ठा लिखवाया। सेठ तेरे नरसी का सत्य जो माया सामल में है पूरा चिट्ठा लिखवाया। सेठ तेरे नरसी का सत्य जमाया मन सामल में पूरा चिट्ठा लिखवाया। जो भात भरे पूरी आस करे जो भात भरे कोई रात करे जो भात भरे पूरी आस करे जो भात भरे पूरी आस करे। पुकारते हैं भक्त है बाबा अपनी लीला दिखाइए चमत्कार दिखाइए दुष्टों का सर्वनाश करिए। क्योंकि त्रेता युग के अंदर तो आए थे रामचंद्र जी के रूप में और द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण भगवान के रूप में आए और आज इस कलयुग के अंदर कोई बाबा मोहन राम के नाम से पूछता है कोई खाटू श्याम के नाम से पूछता है। बहुत अनेकों रूप है और इस कलयुग के अंदर आज त्रेता और द्वापर का मिला हुआ नाम जो है वो बाबा मोहन राम हो गया। मोहन कहा गया है श्री कृष्ण जी के लिए और राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के लिए कहा गया है। आइए साथियों नंबर 4 के अंदर भक्त कैसे पुकारते हैं क्या बताया भला। कलयुग में मोहन बाबा आप भक्तों को दुष्टों ने लिया घेर। कलयुग में मोहन बाबा आप भक्तों को दुष्टों ने लिया घेर। ये कलयुग में मोहन बाबा आप भक्तों को दुष्टों ने लिया घेर। कलयुग में मोहन बाबा आप सोमकाल का छंद गा सुरेश चंद सोमकाल का छंद गा सुरेश चंद सोमकाल का छंद गा सुरेश चंद सोमकाल का छंद गा सुरेश चंद। हर दिन में तू ही समाया है ना अब तक
हुआ है।